दो विमानों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, साथ में मांगे 42 करोड़, बाद में निकला फर्जी। IGI एयरपोर्ट से विदेश जा रहे एयर इंडिया की दो विमान में बम होने की धमकी मिली थी। मामला शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है। IGI एयरपोर्ट सुरक्षा टीम को यह धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और ईमेल के जरिए मिली थी। धमकी भरे मेल में लिखा था कि अगर 42 करोड़ रुपए नहीं मिले तो दो विमान को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी को हल्के में ना लिया जाए और झूठी धमकी ना समझे। अगर पैसे नहीं दिए तो दोनों विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया जाएगा। अगर इमरजेंसी लैंडिंग का प्रयास किया गया तो विमान में मौजूद उनके लोग विमान को बम से उड़ा देंगे। यह सूचना मिलते ही एयरपोर्ट सुरक्षा टीम के होश उड़ गए। हालांकि मामला फर्जी निकला। फिलहाल इस मामले की भी जांच IGI एयरपोर्ट पुलिस कर रही है। मैसेज में क्या लिखा था? पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम रोहित सिंह नाम की आईडी से IGI एयरपोर्ट सुरक्षा टीम को एक्स और ईमेल पर यह धमकी मिली थी कि दिल्ली से सिडनी, मेलबर्न और फ्रैंकफर्ट जाने वाली एयर इंडिया के तीन विमानों में दो में बम है। अगर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई तो विस्फोट हो सकता है। इसे झूठी धमकी समझने की गलती ना करें। उनके साथ ही दो विमान में विस्फोटक लेकर मौजूद है। मेल करने वाले ने एयर इंडिया से विस्फोट ना करने के लिए 42 करोड़ की मांग की। उन्होंने यह भी लिखा था कि जैसे ही पैसे मिल जाएंगे वे अपने साथियों का एक कोड वर्ड देंगे जिसकी अनाउंसमेंट पायलट की तरफ से उड़ान में की जाएगी। कोड वर्ड सुनकर उनके साथी समझ जाएंगे कि उन्हें पैसे मिल गए हैं। फिर कोई विस्फोट नहीं होगा, सिर्फ परेशान करने के लिए मेल भेजा गया। हालांकि जांच में पता चला कि आईडी नई बनाई गई है और उस पर उसके फॉलोवर्स भी ज्यादा नहीं है। यह सिर्फ परेशान करने के लिए मेल भेजा गया था। ज्ञात हो कि लगातार विमान में बम होने की सूचना के बाद न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। DCP ऊषा रंगनानी ने इस बाबत कोई जानकारी साझा नहीं की। पुलिस ने मामले में चुप्पी साध रखी है।